तो हाय गाइस, वेलकम टू द माय अनदर वीडियो। एंड अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सब अपने घर में रहिए, ठीक रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको खुश रखे और सही सलामत रखे। तो अभी अपन बात करने वाले हैं आज माइनक्राफ्ट के बारे में, मतलब कि माइनक्राफ्ट गेम प्ले के बारे में। तो आपको दिख रहे होंगे खाई, उसमें लावा भी है। अभी मेरे को थोड़ी भूख लगी है तो मैं चिकन डिनर कर लेता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिख रहे होंगे सामने, मतलब मैं मुड़ गया हूँ अभी, देखो दिख रहे होंगे सामने, मैंने सर्वाइव करते करते एक हवेली देखी जो कि मैंने सिर्फ देखी। और आज अपन बात करने वाले उसके बारे में कि कितनी बड़ी है वो हवेली। तो आप देख सकते कि नीचे तक गई है, मैंने भी अभी तक पूरी नहीं देखी है क्योंकि मैं आपके साथ देखना चाहता था। और मैं आज आपके साथ भी देखूंगा और खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखूंगा। तो आप देखिए, इधर मेरे को थो गाय मिली है, यानी कि काऊ। अपन उनका दूध पियेंगे बाद में, तो जाने दो अभी फ़िलहाल उनको। तो अभी मेरे को ये हवेली दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। तो ये पानी से मैं तैर तैर के जा रहा हूँ और पहुँच गए अपन दूसरी साइड को। तो थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो चढ़ते चढ़ते चढ़ते, हाँ देखिए, अगर ये पैलेस मेरा हो गया तो मैं इधर पूरा गांव बसाऊंगा और वो गांव बसाते हुए आपको दिखाऊंगा कैसे बसेगा। तो आप देख सकते हैं, इधर से मैं अगर नीचे गिरा तो सीधा ऊपर, जितने स्पीड से नीचे उतने स्पीड से ऊपर। तो वो अभी यार मेरे को बहुत भूख लग रही है, साला बहुत खाता है, इसलिए फिर से चिकन डिनर करते हुए अपन अब उसका रास्ता ढूंढेंगे और वहाँ तक अब ले जाएंगे। तो फिलहाल तो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये क्या ऊपर चढ़ रहा है भाई, ऊपर मत चढ़, नीचे आ जा, ज़मीन पे थोड़ा। तो बहुत मशक्क़त के बाद मेरे को रास्ता मिल चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। तो मेरे को ज़ॉम्बी पीछे लग सकते हैं। और ये क्या यार, वो सामने तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है यार, क्या हो रहा है? सारा दरवाजे क्यों दिया है फिर? अरे भाई ये क्या, कैंडल वैंडल क्या लगे हुए? ये कुछ कुछ नहीं हुआ भाई, लेकिन कुछ आवाज़ तो नहीं दिया। और ये भी डालता हूँ, अरे पत्ती बुझ गई। अरे भाई क्या दरवाज़ा बना है भाई, यार क्या दरवाज़ा, मतलब वाह, सामने पता ही नहीं चला कि कुछ है करके। हवेली ज़्यादा पुरानी लगती है, फिर भी लाइट रोशनी है, ठीक है, अच्छा है कि रोशनी है, मतलब इधर का दिख तो रहा है मेरे को कम से कम। लेकिन भाई ये ग्राफ झाड़ियाँ बहुत है इधर, साला ऊपर ही चढ़ रहा है बार बार। इधर भी कुछ है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, तो अरे लाइट लगाना पड़ेगा। फिलहाल अपन बत्ती चलाएंगे। और इधर तो कुछ भी, कुछ तो दिया हुआ है, ये भी शायद लाल तिल्ली का है, मतलब अभी लगाते देखते कुछ तो ऊपर हुआ है। ओ भाई ये कुछ ऊपर हो गया है, अपन देखते हैं क्या है। तो इधर अपन को आना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैं अभी कैंडल लगा देता हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, लैंप लगा देता हूँ और ऊपर जाके देखता हूँ कि हुआ क्या आखिर। तो चल भाई मेरे अंदर घुस जा। ओ हो, तो देख सकते हैं आप कि वो दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका है। तो ऐसे करके वो दरवाज़ा बंद होता है और का रास्ता किधर जाता है कुछ मालूम नहीं। और ये साला बहुत झाड़ियाँ बढ़ गई इसमें, बार बार ऊपर चढ़ रहा है मेरा बंदा। तो मेरे को रास्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी क्या यार, किधर से कुछ, अरे समझ भी नहीं आ रहा यार कहाँ पे जाऊँ अभी। अरे भाई मिल जा, साला इतना बड़ा कौन बनाता है यार ये, इधर तो कुछ। अरे भाई ये क्या, किस में आ गया मैं? ओ भाई क्या बात है, कितना बढ़िया बना है, स्विमिंग पूल भी है और कार की छत भी है, लेकिन स्विमिंग पूल के ऊपर वाह वाह वाह, आसमान का भी नज़ारा और स्विमिंग पूल गंदा पड़ा। अरे यार ये कितना बड़ा
ओहो, ये भी कुछ तो है इधर। ये अभी पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या है इसमें। बहुत पेड़ लगे, उसको काटते काटते ही पूरा देख चला जाएगा। और मैं नीचे आ चुका हूँ लेकिन मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ी अपन लाइट लगाते हैं, लाइट भी बहुत कम है अपने पास, तो देखते हैं। अरे रास्ता मिल चुका है अपने को, तो मैं नीचे जा रहा हूँ तलवार हाथ में रखे हुए, क्योंकि अपन को कोई भी मिल सकता है। बहुत पुरानी हवेली है। तो रास्ता मिलते हुए लेकिन अपन आजू बाजू में भी घूमेंगे। तो चलो नीचे जाके देखते हैं कि क्या है। अरे भाई जा नहीं रहा ये यार, क्या जो पेड़ पौधे लगे हैं इसमें, पूरा गंदा। ओ भाई पेड़ वेड़ यहाँ पे, मतलब कोई तो रहता था यार। इसमें बिल्ली भी है, और इसमें भी पूरा झाड़ी वाड़ी लगा हुआ है। अभी इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या किधर क्या है। इधर भी रास्ता है, उधर भी रास्ता है। इधर के रास्ते में चलते। ओह ओह, क्या बात है। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अंदर इतना कुछ हो सकता है। जमीन के नीचे से जा रहे। अरे भाई डाइनिंग टेबल। ओह भाई स्विमिंग पूल के नीचे डाइनिंग टेबल, मैंने देखा ही नहीं था अभी यार। ये पूरा किचन विचन सब कुछ कितना बढ़िया है। स्विमिंग पूल फट गया है, इसकी वजह से पूरा पानी नीचे आ रहा है। अभी इधर थोड़ा लैंप लगाते, बाद में अपन देखेंगे इधर क्या करना है। अभी अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्रीपर वीपर ना हो, क्योंकि अपन को अगर क्रीपर ना हुआ तो मैं इसको 100% अपना लूँगा, मतलब उस पर कब्जा कर लूँगा। तो इधर भी कुछ है, अभी इधर डब्बे पड़े हुए संदूक। ओ भाई खाने पीने का तो फुल सामान रखा हुआ है। अरे भाई ये खुलने नहीं दी गई अभी बिल्ली। भाई निकल यहाँ से, निकल भाई मेरे को खोलना है। यार ये खुलने नहीं दे रही मेरे को। अरे मेरे को उसमें देखना है, छोड़ो इसमें देखो। ओह डायमंड लेवल का, डायमंड लेवल के सब हथियार मिल चुके हैं मेरे को अभी, जैसे कि सबके मतलब सबसे ऊपर। वो भाई क्या क्या, और कोल वोल, मतलब अपन तो अभी इधर ही बसेंगे, कुछ भी हो जाए। जॉम्बी को तो मैं मारूंगा ही और इधर ही बैठूंगा अभी। तो अभी नीचे चलते हैं, खुल नहीं रहा है तो मेरे को सीधा इसको निकालता हूँ। और ये मैंने तोड़ डाला इसका। हाँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन झाड़ी है बहुत चाहिए लगी हुई है। अरे यार फिर से नहीं यार, किधर किधर लगा हुआ है झाड़ियाँ। वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो मैं अभी नीचे कूदा और देख रहा हूँ नीचे। ओह गिरना मत भाई वरना मर जाएगा। ये देखो ये बिल्ली मेरे पीछे आ रही है यार। अभी ज़ॉम्बी आ सकते हैं, अंदर जा और बैठ चुपचाप। देनगी में मिली है मेरे को, तेरे को मैं पालूंगा। और मेरे को, अरे यार क्या सेट, अंदर चल भाई। वाओ मैं बैठूंगा, अभी मेरी बिल्ली ऊपर जाके बैठी, उसका क्या करूँ। अभी घास फूस मेरे को ही काटना पड़ेगा, फिर भी नहीं जा रहा है मेरा बंदा। जाने तो अभी दोनों तरफ का साइड करता हूँ मैं। अभी मेरे बिल्ली को ले जाना पड़ेगा वरना ज़ॉम्बी बन जाएगी वो भी। अबे आ नीचे आ, चलो आ। तो जा चुकी है घर में, उसको मैं लेके जाता हूँ डोर बंद करके। तो चल बिल्ली मेरे साथ चल। तो चल तेरे को घर पे छोड़ के आता हूँ, फिलहाल पूरा ही घर है लेकिन उसको ऊपर छोड़ के आता हूँ सेफ जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं है मेरे को मालूम पड़ चुका है। तो बैठ जा बैठ रही, तू इधर ही बैठ जा। हाँ जाके संदूक पे बैठ गई, वो उठेगी नहीं अब उधर से। जाने दो मैं नीचे जाता हूँ। साला ये मेरे को घास फूस बहुत काटना पड़ेगा यार, मेरे को जाने नहीं दे रहे। बहुत बड़े बड़े हवेली पूरी बिगड़ चुकी है, इतनी बड़ी मस्त।
यहाँ से भी रास्ता नहीं दिख रहा, यहाँ भी बनाया किस लिए फिर? वो रे देखो देखो क्या यार, कितना अंधेरा है, कुछ तो लगा देते हैं। वो सांप पर जा, ये चले चले चले, बहुत बढ़िया। ये है वो नीचे जाने का रास्ता जो अपन ने ऊपर से देखा था। और ये देखिए यहाँ से भी क्या नज़ारा है, मेरे को ये पूरा साफ करना पड़ेगा यार, कितना काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। अभी इसमें कौन रहता था, अभी इसके बारे में क्या कैसे पता करे? शायद अपन को बाद में ढूंढेंगे, पहले तो नीचे जाते हैं। मेरे को नीचे नहीं जा रहे, कहाँ पे जा रहा हूँ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी खास बढ़ चुकी है कि मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे जा रहा हूँ। इधर से सीधा मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन जितने सीधे मैं ऊपर जाऊँगा उतने सीधे मैं नीचे भी गिर सकता हूँ, और फिर नीचे गिर के फिर ऊपर, लेकिन ख़त्म हो के। तो चलते हैं नीचे, नीचे जाते। अरे यार के सम ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा अभी। अरे टॉर्च, क्या टॉर्च, क्या हो गया टॉर्च को, गलत लग गई शायद। तो हाँ चलो, एक तो मेरे पास टॉर्च कम है और उसके बाद भी ये ऐसा कर रहा है भाई। कुछ भी बोलो, जो यहाँ पे बंदा रहता था ना उसने सब सेट किया हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं पूरा ख़त्म है, ये खंडर बन चुका है। लेकिन आपको लाइट वाइट सब दिए हुए है उसने, मतलब जो भी इसमें आएगा ना वो बहुत बढ़िया रह सकता है। तो मैं फिलहाल पूरा नीचे जाता हूँ, और नीचे मैं पहुँच गया, फाइनली मैं नीचे पहुँच चुका हूँ। अभी मैं खोलता हूँ सामने वाला दरवाज़ा, लेकिन मेरा गेम थोड़ा पॉज हो गया है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यार ये क्या हो रहा है यार, चल भाई चल जा। तो अपना बंदा चल चुका है, लेकिन ऊपर भी चढ़ चुका है, तो ये घास काटते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। भाई साहब ये तो मेरे को चाहिए अभी, ये मेरे को चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। इस पे अभी मेरे कब्जा होगा, पूरा डायमंड वायमंड सब कुछ है यहाँ पे, बहुत बड़ी खदान। ओ भाई, खदान के चक्कर में अभी मेरी डेड बॉडी बन जाती वहाँ पे, साला नीचे गिरता अभी मैं, जाने दो। चलो ऊपर चलते हैं फिर, अभी पूरा अपना मुआयना तो हो चुका है कि अभी इधर क्या क्या करना है अपने को, लेकिन अभी और कितने सरप्राइज मिलेंगे ये तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अभी ऊपर चल के थोड़ा देखते हैं कि अपने को क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, सब जान लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर से शॉर्टकट भी जा सकता हूँ, लेकिन शायद ऊपर लग रहा है मेरे को, इसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस अपने ऊपर पहुँच चुके हैं, और आगे जाएंगे अभी सबसे ऊपर अपने मेन घर में। तो जाते जाते चल भाई चल 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 तू। हाँ पहुँच चुका हूँ अभी छोटे घर में, मतलब कि छोटे स्टोर रूम भी बोल सकते हैं उसको, स्टोर रूम बनाएंगे अपन बाद में। तो पहुंच चुके मेन घर में, अभी इसका दरवाजा, साला दरवाजा बंद कर रहा और फार गिर गया। तो इधर भी बहुत है, अपन लाइट लगा देते हैं, रोशनी वोशनी कर देंगे, क्योंकि अपने को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। अभी पूरा जालिया वालिया साफ कर देता हूँ, मतलब पूरा साफ सुफ करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं अभी अंदर का ही करूँगा, जो बाहर का करूँगा तो आप सबको दिखाऊंगा कि क्या क्या कर रहा हूँ। निकल जा, तो ये भी निकाल देता हूँ, निकल निकल निकल, साफ हो जा। हाँ तो ये साफ हो चुका है अपना, मतलब ये बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, इसको मैं चेंज करूँगा बाद में। ये भी निकाल देता हूँ, पूरा साफ कर डालता हूँ, क्योंकि अपने को गंदगी पसंद नहीं है। मतलब दिखना चाहिए यार कि अपन यहाँ पे रह रहे हैं, अपन जब रहेंगे तो पूरा डैशिंग तरीके से रहना चाहिए। तो ये निकल जाए, इसको भी साफ कर देता हूँ,
अभी इतना किया तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो चलिए आगे यार, ये क्या बोलूँ यार मैं, यार यार शब्द का इस्तेमाल बहुत बार कर रहा हूँ ना, सॉरी गलती से हो जाता है। अभी नया नया हूँ तो बोलने में ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है भाई। इग्नोर दिस माई साउंड, नहीं मैं साउंड नहीं, मेरे शब्द इग्नोर कीजिए। तो देखिए, अरे भाई स्विमिंग पूल बहुत मेरे को बढ़िया लगा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि नीचे ऐसा कुछ भी हो सकता है। और देखिए आप, इधर से फटा हुआ है, अपने को ये सिलने के लिए कुछ भी तो चाहिए, सिल नहीं सकते। इसको लगाने वाला जो ब्लॉक है वो कांच का ढूंढना पड़ेगा, क्रेट में होगा ये। वो क्रेट क्या बोल रहे हो यार, पबजी का बहुत असर हो रहा है, वो डब्बे में होगा ही, वो मतलब बॉक्स में। तो यहाँ से भी अपन डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, लेकिन मेरा बंदा नीचे नहीं घुस रहा है। इधर से वो फड़ाना तो सीधा नीचे। अरे चल चल जाने दो, ऊपर का नज़ारा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपन यहाँ पे धूप भी सेक सकते हैं। मैं इस स्विमिंग पूल को थोड़ा नया बनाऊंगा, और वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि बनाऊंगा जल्दी। तो देखिए मेरा अगला वीडियो पूरा साफ दिखेगा आपको। तो मिलते हैं बाद में।